पंडित जी हमको तो लगो थो कि मोड़ा होगा, पर हीरा लाल के नसीब में मोड़ी ही बदी थी। उदास होवे की कोनो जरूरत ना है मैं बलाल जी, कन्या रत्न आई है जजमान, रिद्धि सिद्धि आई है तुम्हारे घर, खुशी मनाओ। फूल जैसी बच्ची है पंडित जी, सो हमने नाम पुष्पा रखा है, आप बताएं सही है? श्रावण शुक्ला में जन्म हुआ है बच्ची का, बच्ची धन धान से भर देगी घर को, बड़ी ज्ञानी और गुणी होगी। तब तो पंडित जी आप ही कोई नाम बताइए। गणना के हिसाब से तो मैत्रेयी नाम उचित होगा। मैत्रेयी, ये नाम कहाँ से मिला पंडित जी? अब जब आप पूछ रही हैं तो बताए देते हैं, मैत्रेयी याज्ञवल्क ऋषि की पत्नी रही, उन्होंने अपने ऋषि पति से कोई सुख संपदा नहीं चाही, कोई वरदान नहीं मांगा, उन्होंने तो सिर्फ ज्ञान मांगा, कहा हमको ज्ञानी बनाइए। तब तो जे नाम ही ठीक रहेगा, हम मूढ़ी को ज्ञानी बनाएंगे। तो बस आज से ही का नाम भवा मैत्रेयी। समय पंख लगाकर उड़ता रहा। मैत्रेयी मेरी गोद में किलकारी भरती हुई 15 महीने की हो गई, मगर तरह तरह की दुश्चिंताओं की वजह से पतिदेव ने बिस्तर पकड़ लिया। मोतीझाला की बीमारी में तड़पने लगे और बाएं में अनाप शनाप बकते हुए हीरालाल नाम के आदमी की जीवन लीला समाप्त हुई। अरे कोनो का कछु बिगाड़ नहीं किया, परवरिश करेंगे, उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हमको तुम्हार चाल चलन पसंद ना है कस्तूरी, सारे गांव मोहल्ला है। कस्तूरी काम की पहली लुगाई है जो मर्द के मरबे के बाद एक आंसू न रोई। ऐसी कटकरेज लुगाई कभी न देखी। ठीक है नहीं है तुमको दुख, पर जो दिखावे के खातिर दो आंसू बहा लेती तो कौन पहाड़ टूट पड़ा। ये हमसे नहीं हो सकता, अब
हम रो रो कर खुद को कमजोर नहीं कर सकते। हमारे ध्यान में अब केवल हमारी बेटी की जिंदगी है, पर समाज की भी देखी पड़त है। देखा है लोग कैसे धिक्कार रहे, धिक्कार है। अब जो हम रोने बैठे हैं तो मुकाबला कैसे करिए? और फिर का समाज केवल औरत के लाने हैं। चल के मरे औरत, चिता चढ़े औरत, पर मरत कभी किसी मरत को उसकी लुगाई के साथ चिता में जलकर भस्म होते देखे था? वो तो आजाद घूमत है। तो फिर समाज के सारे रीति रिवाज बंधन औरत पे ही काहे? हमको तुम्हारी बात समझ नहीं आती। पर एक बात कहें कस्तूरी, चोई टेढ़ा मेढ़ा चलोगी तो भुगतोगी एक दिन। कैसी हूं मैं? अपने आप को दूसरी औरतों से छिटका कर अब घबरा रही हूं? क्यों मैं भी तड़प तड़प कर चिंघाड़ती हुई लोगों की करुणा नहीं मांगती? दुनिया का चलन ठुकरा कर आखिर क्या पाने की इच्छा है मुझे? अम्मा, अब तुम जाओ यहां से। वैसे भी ना तुम यहाँ का खात हो ना पानी पीत हो, यहाँ रह के क्या करोगे? अब वैसे भी हमारा रिवाज माँ को बेटी के साथ रहने की इजाजत नहीं देते, जैसे बेटी संतान ही नहीं होता। अपना और पुष्पा का ध्यान रखना। हाँ। लोग बताते हैं आजादी मिलने वाली है, खेती अब जमींदारी के चंगुल से छूट है। तुम्हारों के पास एक दो खेत हैं, कहीं उनको लेकर झगड़ा ना शुरू हो जाए। कहाँ बेकार की बात करो तो अम्मा, हमको किससे खतरा हो सकता है? कोई भी हो सकता है। अब तुम्हारे भाई हेतराम की घरवाली उनको उल्टा सीधा समझात रहे थे। तुम फिक्र नहीं करो अम्मा, हम अपना ख्याल रख लेते। चलत है बिटिया। बहू क्या समझा रही तुम्हारी अम्मा तुमको? अब भूखा समझाएंगे हमको? अब तो जो समझना है हमको समझना है। कितने जा रहे हो दादा? ओ, इगलास में हमारा एक साथी है सत्तुनाथ, वो तनक बीमार पड़ गया, उनको देख बे जा रहे। तुम चिंता ना करो, हम जल्दी आ जाएं। हुजूर, हुजूर, कहो क्या बात? हुजूर, हम मरहूम हीरालाल के बाप मेवराम है हुजूर। हाँ तो? हुजूर, जवान बेटे की मौत के बाद हम तो जैसे ने इतना पाहिज हो गए। अरे भाई सीधी सीधी बात करो कि बात क्या है? देखो फरियाद लेकर के आए हैं हुजूर, हम गरीबन को आप पर बड़ा भरोसा है। अरे मैंने कहा ना वक्त बर्बाद मत करो, जो बात है कहो। जी जी हुजूर, हमारे बेटे के मरने के बाद खेत के रकबे के अकेले हकदार हम ही हैं। ये देखिए हुजूर, ये कागजात हमारे नाम हो जाए तो बड़ी मेहरबानी है। लिख
लेकिन इन कागजातों के मुताबिक तो हीरालाल के नाम ये रकबा उसकी माँ के मरने के बाद आया था। अब इस रकबे पर किसी का हक बनता है तो वो हीरालाल की घरवाली या उसके बेटे पर, उसकी घरवाली या कोई बेटा है? बेटा तो नहीं है हुजूर, ये को घरवाली है। तो भाई उससे बात कर लो, उसकी मंजूरी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हुजूर, हमारे बेटे के मरने के बाद वो तो एकदम बौरा गई है, और उनको भाई बहुत कमीना है हुजूर। वो हमारे खेत को बेच करके रुपये लेकर के भाग जाना चाहते हैं। अगर ऐसा हो गया तो हुजूर हम तो एकदम बर्बाद हो जाएंगे। हमारी पोती का क्या होगा, हमारे क्या होगा हुजूर, हम तो खावे को भी मोहताज हो जाएंगे। मेहरबानी कीजिए हुजूर। अरे क्या कर रहे हो, मैंने कहा ना हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं हुजूर। भाई कानून भी कोई चीज है कि हुजूर, हम तो, अरे रामदीन, रामदीन हुजूर ऐसे ना कीजिए हुजूर, कोई रास्ता निकालिए हुजूर, हम तो आप पर बहुत भरोसा है हुजूर, हम बर्बाद हो जाएंगे हुजूर, हमारे तो भी बर्बाद हो जाएंगे हुजूर, टेंशन ना कीजिए। अरे मेवाराम जी, आप यहाँ कचहरी में? ओ तनक थोड़ा काम रहा हमका। सच्ची कस्तूरी, तुमने बहुत ही साहस को काम किया, जो रेशम कुंवर की कथा फिर ना दोहराई गई। हाँ, पर असली साहस तो मुझे जिंदगी में आगे दिखाना है जीजी। का मतलब? एक विधवा के लिए मरना बहुत आसान होता है, पर जीना उतना ही मुश्किल। हर पल जैसे एक लड़ाई। अरे अच्छा हुआ तुम यहाँ मिल गई कस्तूरी, हम तो खबर भेज के तुम्हें बुलवाने की सोच रहे थे। काहे? हम इगलास कचहरी गए थे, वहां तुम्हारे ससुर जी मिले, सारे के सारे खेत अपने नाम करवाने के चक्कर में हैं। फिर? चिंता की कोई बात नहीं, पहलकार ने साफ मना कर दिया है। ससुर जी ने तो ये कहा कि किसी के दस्तखत की जरूरत नहीं, किसी से बात करने की जरूरत नहीं, पूरे खेत मेरे नाम कर दो। लेकिन अहलकार ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, हम ऐसा नहीं कर सकते। उसने साफ साफ मना कर दिया कि ऐसा नहीं करेंगे। का हुआ मेवाराम, खेत तुम्हारे नाम चढ़ गया का? हमें ऐसी किस्मत कहाँ भैया, हमारी किस्मत तो ससुर लंगड़ी बछिया और फूटी हुई हंडिया जैसन है। बावरे हो गए हो डुकर तुम, लुगाई और खेत का चस्का बुढ़ापे में शोभा नहीं देते। इगलास तक नंगे पैर भागे, लोटे तो हाथ बेरंग, मुंह बदरंग। दद्दा, रोटी खा लियो दद्दा। नहीं, हमको भूख नहीं। काहे? थके हारे लौटे हो, चलो खाओ तो। हाँ दद्दा, अभी तुमको ना जमीन खेत इका चिंता करबे का कोनो जरूरत नहीं है, हम पे भरोसा रखो दद्दा, सब कछु तुमा भी है। हमका माफ कर दो बहू, हम तनक लोभ में पड़ गए रहे। तुम हमको अपना नहीं समझत हो ना दद्दा? ऐसे नहीं कहते बहू, तुम्हारे सिवा हमार कौन है यहाँ बिटिया? जो हम आपकी बिटिया है तो हमारा जो कछु है वो किसका भया दद्दा, तुमाव ही ना। तो फिर जो कछु तुमाव है वो कल ये कोर्ट कचहरी जावे का क्या जरूरत है? और हाँ, जो ना होवे भरोसा तो हम कलई कोर्ट में जाकर जमीन का उपट्टा तुमाव नाम करवा देते। बस भाई बस, हमको और शर्मिंदा ना करो, तुमने तो हमारी आंखें खोल दी बिटिया। लोभ लालच में फंसा इंसान
माटी का एक ऐसा पुतला जिसकी तृष्णा कभी खत्म नहीं होती। विधवा होने के 1.5 महीने बाद अचानक मेरा भाई हेतराम आया। दिन भर उलझी उलझी बातें करता रहा। लाली, बुढ़ऊ बहुत लोभी है, हमको तुम्हारी और तुम्हारी मोड़ी की बहुत ही चिंता है, मने सावधान रहने की जरूरत है। और अब खापी के बाहर सो रहा है। करो मेवा राम, अरे ले भागो सो ले भागो। बताओ कैसा जमानो आ गयो, नाते रिश्तेदार सो चोरी कर भी लगे। अरे तो गांव में एक हल है तो का, 2-4 दिन में हमारी बुआई भई जा रही, और नहीं तो पहले तुम्हारो खेत बोदे हैं। आप ही लोग उनका सहारा है भैया, ये सब देख के हमारी आंखें तो न जाने कब बंद हो जाएं। पर आप ही को संभालना है, हमारी लाली मैत्री को मामा हेतराम से बड़ो खतरो है, वो जायदाद को बड़ो लोभी। हमारे रहते ऐसा नहीं हो सका था फूफा, कहाँ डरते हो? अरे तुम उनको नहीं जानते, हमारे मरने के बाद वो कुछ भी कर सकत है। अरे मैत्री को टेंटवा दबा सकत है, उनको नदी में फेंक सकत है, और तो और वो अपनी बहन को कोई दूसरे आदमी के घर बिठा सकत है। ऐसा कभी ना हो सकत है दादा, वो ना तो मैत्री को हाथ लगा सकत है और ना ही हमारी जिंदगी के साथ दोबारा खिलवाड़ कर सकत। कान नाक चिदाते वक्त की टूट कर जिस्म में धसी हुई सुई घूमती रहती है। जब हाथों की जरूरत होती है तो हाथों में पहुंचकर उन्हें जकड़ लेती है, पांव की जरूरत होती है तो पांवों को। बहू, हम तो 4 दिन के मेहमान हैं, पर हम खून तुम्हारी और मैत्री की चिंता लगी। क्या होगा तुम्हारन का, कैसे जीवन काटोगे तुम? हमें तो अब एक ही साथ बची दत्ता, मैत्री पुष्पा को पढ़ा लिखा के बड़ा कर लेगा। अरे उससे क्या होगा बहू, औरत जात का काम है घर गृहस्थी देखना, चूल्हा फूंकना। अरे मोढ़ी के जात पढ़ लिख के क्या करेगी? मुकाबला दद्दा, कल के आप नहीं रहेंगे, हम नहीं रहेंगे तो दुश्मनों का डट के मुकाबला कर सकेगी, मुसीबतों का सामना कर सकेगी। और हम भी स्कूल जावे की तैयारी कर रहे हैं। जो क्या कर रही हो तुम, तुम भी पढ़ोगे? हाँ दादा, हमने तो चंद्रपाल बाबू से कहकर इग्लास के स्कूल में दाखिले की भी बात कर ली है। बहू बोरा रहे हो, तुम्हारे पगला गए हो। दादा, जिस शिक्षा के मार्ग पे चलना पागलपन है, तो क्या अज्ञान बने रहना समझदारी भाई? आज जे औरत अबला है तो जे का सबसे बड़ा कारण है अशिक्षा, अज्ञान। और हमको अबला नहीं बनना दादा।
दादा हमने खाना बना दियो है, आप खा लीजिए और मैत्रेय को भी खवा दीजिए। लाओ भाई लाओ। अच्छा दादा हम चलते हैं। तुम कितने जा रही हो? हम स्कूल जा रहे हैं दादा, आशीर्वाद दीजिए। बहू ढाई को सिते से ढाई को सुते से तुमने तनक सोचा है कि गांव के लोग क्या कहेंगे? कहबे वाले की फिक्र करेंगे दादा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। हाँ पर सारे रीति रिवाजों को उलट देना कोनो ठीक बात है का? देखो बेटा बहुएं घर से बाहर निकले उका कोनो कायदा होता है, रस्सी हसिया खुरपी लेकर के निकले, गर्दन झुकी रहे मुंह ढका रहे। हम तो कहते हैं पहले तो औरत घर से निकले ही नहीं, और अगर निकले तो कोनो मर्द के साथ, फिर वो चाहे 10 साल का मोढ़ा ही क्यों ना हो। तुम किसके संगे आओगी जाओगी? अब हम मर्द या मुड़ा किते से लाए दादा, बस इतना ही कर सकत है कि अपने आत्मविश्वास के साथ जाई हैं और ओके संगी वापस आई हैं। चलते हैं दादा। हमारे लाने खड़े होने की जरूरत नहीं है, बैठो। बहन जी कुर्सी पे बैठो। हम शिक्षिका नहीं, हम विद्यार्थी हैं। तुम हरो के संगे पढ़बे को आए हैं। हम इतनी बड़ी होकर हमारे साथ पढ़ेगी? हंसबे की जरूरत नहीं है, उम्र में हम तुम्हारों से ज्यादा है पर ज्ञान में तुम्हारों के बराबर ही है। हमसे दोस्ती करोगे? हमको ऐसा आशीर्वाद दीजिए गुरुजी कि हम स्कूल कॉलेज सब पढ़ डाले। स्कूल पढ़ लो वही काफी है, कई बार स्त्रियों का अधिक ज्ञानी होना कई मुश्किलों को जन्म देता है। जी आप क्या कह रहे हैं गुरुजी, हम कछु समझे नहीं। तुलसीदास जी ने कहा है अति बुद्धि व्याधि, ये मुहावरा स्त्रियों पर एकदम सटीक बैठता है। शायद हम इस बात को झुठला दें। झुठलाओगी तुम? हमारी इतनी मति कहाँ गुरुजी, पर हम इतना जरूर जानते हैं कि अगर तुलसीदास जी ज्ञानी बने तो अपनी पत्नी रत्नावली की प्रेरणा से ही।